किडनी के रिलेशन हमने देखने हैं, किडनी रिट्रोपेरिटोनियल है, तो हमने पहले ये स्टमिक को और ग्रेटर मेंटम ये और ये ट्रांसवर्स कोलोनिस को ऊपर रिफ्रैक्ट किया, ठीक है। फिर ये हमारे पास कॉइल इस तरफ लेफ्ट साइड पर कॉइल्स ऑफ जेजनम, इसको भी ऊपर करेंगे तो ये इनकी मेसेंट्री। फिर उसके बाद ये वाला जो है ना ये डिसेंडिंग कोलोन है, और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला, ये है लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के रिलेशन में, क्योंकि ये हमारे पास ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये जो फ्लेक्चर बनता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, ठीक है, ये है और ये हमारे पास लेफ्ट किडनी। तो इसके रिलेशंस में अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, ये डिसेंडिंग कोलोन है सारा, ठीक है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और यहाँ पर कॉइल्स ऑफ द जेजनम, ये इसके इंटीरियर रिलेशंस में आएंगे लेफ्ट किडनी के, ठीक है। कॉइल्स ऑफ द जेजनम, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और ये डिसेंडिंग कोलोन है इसके साइड पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ये देखें, क्योंकि ये किडनी मैंने कही है, ठीक है, ये वाली, इसको अगर मैं फिंगर पास करूँ, ये किडनी पे मेरी फिंगर है, ये नीचे किडनी है और ऊपर ये हमें वो पेराइटल पेरिटोनियम की लेयर नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि किडनी रिट्रोपेरिटोनियल है। अब यहाँ पर ये जो मेरी ट्रेस करें फिंगर, तो ये किडनी का पार्ट नज़र आ रहा है, सुपीरियर पोल। तो किडनी के यहाँ पर सुपीरियर रिलेशन, सुपीरियर पार्ट के रिलेशन में, इंटीरियर रिलेशन में ये पैंक्रियाज है, ठीक है। पैंक्रियाज को हमने यहाँ से ट्रेस किया था, ये स्टमक के पोस्टीरियरली ये स्प्लीन तक रन करता है, तो ये जो पार्ट है सारा ये पैंक्रियाज का है, ठीक है। तो पैंक्रियाज इस लेफ़्ट किडनी के इंटीरियर रिलेशन में आता है, ये मैंने पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज पकड़ा हुआ है और ये नीचे लेफ्ट किडनी है, इसके इंटीरियर रिलेशन में आता है। लेटरली यहाँ पर इसके लेफ्ट किडनी के रिलेशन में स्प्लीन आती है अपर पार्ट में, ठीक है, और हमारे पास स्टमक का भी इसके साथ रिलेशन है, इंटीरियर रिलेशन। अब हमने राइट किडनी के रिलेशंस देखे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन है, यहाँ पे जो ये फ्लेक्चर आ रहा है, ठीक है, ये है राइट कोलिक फ्लेक्चर, ये जो इस तरह से राइट तरफ जाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास किडनी रिट्रोपेरिटोनियल है, इसके इंटीरियर रिलेशन में देखें तो हमारे पास राइट लोब ऑफ द लिवर है, देन ये राइट कोलिक फ्लेक्चर है, ठीक है, ये वाला इसको शटल डाउन करेंगे। उसके बाद ये किडनी का पार्ट नज़र आ रहा है, हमने राइट लोब ऑफ लिवर भी उसके रिलेशन में देख लिया, ये किडनी है, राइट कोलिक फ्लेक्चर भी देख लिया। फिर ये ड्यूडेनम है, ठीक है, जिस तरह ये देखो, ये स्टमिक अगर नज़र आए, स्टमिक, फिर ये सारा फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर ये जो सी शेप बनने लगा है ड्यूडेनम का, तो ये जो है ना सेकेंड पार्ट, ये वाला, ये इस किडनी के मीडियल रिलेशन में आता है, ठीक है। तो ये किडनी है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, ठीक है, और यहाँ पर जिसके इंटीरियर रिलेशन में, बाकी यहाँ पर कॉइल्स ऑफ जेजनम आएंगी ये वाली।